कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा की शादी कुछ दिनों से चर्चा में है। वेडिंग कार्ड से लेकर मेनू तक सबकी चर्चा हो रही है। हैरानी की बात यह है कि कपिल की शादी में बॉलीवुड से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, क्योंकि कपिल ने अमिताभ बच्चन और सलमान खान के अलावा किसी को भी इन्वाइट नहीं किया है। इन दोनों को कपिल ने पर्सनली इन्वाइट किया है। सूत्रों के मुताबिक कपिल सीनियर बच्चन के साथ बेहद इमोशनल रिलेशन शेयर करते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन भी कपिल को काफ़ी पसंद करते हैं। हाल ही में दोनों KBC के स्टेज पर भी दिखाई दिए थे, तब कपिल ने अमिताभ बच्चन से शादी में आने के लिए जोर डाला था। ऐसे में बिग बी कपिल को ना नहीं कह सकते थे और उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया। खबर है कि वो अब शादी में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। जाहिर है सलमान खान, जो कपिल शर्मा के आने वाले शो द कपिल शर्मा शो सीजन 2 के प्रोड्यूसर हैं, उन्हें भी कपिल शर्मा ने इन्वाइट किया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान को एक प्रिंट के विज्ञापन के लिए शूटिंग करनी है, इसलिए उन्होंने शादी में जाने के लिए कन्फर्मेशन नहीं दी है, लेकिन वो शादी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी टीम से टाइम मैनेज करने के लिए भी कहा है। शादी की रस्म 10 दिसंबर को माता के जागरण के साथ शुरू हो जाएगी। जागरण में पॉपुलर सिंगर और कपिल शर्मा की खास दोस्त ऋचा शर्मा माता के जागरण गाकर मेहमानों का दिल जीतेंगी। वहीं ऋचा के साथ पंजाबी भजन गायक मास्टर सलीम भी परफॉर्म करेंगे। 10 तारीख को जागरण के बाद अगले दिन चूड़ा सरमेनी, मेहंदी और कॉकटेल रखा गया है। शादी वाले दिन यानी 12 दिसंबर को पंजाबी सिंगर और एक्टर गुरदास मान अपने गानों से महफिल सजाएंगे। कपिल की होने वाली पत्नी गिनी चतरथ गुरदास मान की बड़ी फैन है। इसके बाद 14 दिसंबर को अमृतसर में होने वाले रिसेप्शन में दिलेर मेहंदी अपने हिट गानों से मेहमानों को मनोरंजन करेंगे। बॉलीवुड सेलेब्स और दूसरे फील्ड की पॉपुलर हस्तियों के लिए कपिल ने मुंबई में एक रिसेप्शन रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रिसेप्शन दिसंबर के आखिरी में होगा, हालांकि अब तक इसकी डेट कन्फर्म नहीं हो पाई है। आप देख रहे हैं डेली फोकस न्यूज़। बॉलीवुड और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए डेली फोकस न्यूज़ के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।